بسم الله الرحمن الرحيم। औरत के साथ हम बिस्तरी करने के तीन मकबूल तरीके जिन्हें औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, औरत के साथ हम बिस्तरी करने के सैकड़ों तरीके होते हैं, लेकिन हर मर्द और औरत की अपनी एक पसंद होती है। कोई औरत लेटे हुए हम बिस्तरी करना पसंद करती है, तो कोई बैठे हुए, कोई खड़े हुए पसंद करती है, तो कोई घोड़ी बनकर पसंद करती है। लेकिन आज हम आपको हम बिस्तरी करने के तीन ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और इनको इतना पसंद किया जाता है कि अगर इन तरीकों से एक ही रात में 5 मरतबा भी हम बिस्तरी की जाए तो फिर भी औरत बामुश्किल ठंडी होती है और हम बिस्तरी की ख्वाहिश और भी ज़्यादा करती है। नंबर एक, औरत का मर्द के ऊपर आकर हम बिस्तरी करना। हम बिस्तर का पहला तरीका जिन्हें औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं वो ये है कि मर्द सीधा पेट के बेल नीचे लेट जाता है और औरत मर्द के ऊपर बैठकर अपने अंदर नफ्स डालकर हम बिस्तरी करती है। इस तरीके में औरत ऊपर नीचे हरकत करती है अपनी मर्ज़ के मुताबिक। हम बिस्तर का दौरान यह कम और ज़्यादा करती है। इसके अलावा औरत इस तरीके को बहुत ज़्यादा पसंद भी इसी वजह से करती है कि मर्द हम बिस्तरी के दौरान औरत के काबू में आता है और इस तरीके में हमल के चांसेस बहुत कम होते हैं। नंबर दो, घोड़ी बनकर हम बिस्तर करना। हम बिस्तर का दूसरा तरीका जिन्हें औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं वो है औरत का घोड़ी बन जाना। इस तरीके में औरत उल्टा घुटनों के बिल घोड़ी बन जाती है और मर्द घुटनों के बिल बैठ कर या खड़े होकर औरत की शरणगाह में पीछे के रास्ते से अपना नफ्स अंदर की शरणगाह में डालता है और हम बिस्तर करता रहता है। और इस तरीके में औरतें को दर्द भी होता है क्योंकि इसमें मर्द के नफ्स का दखल पूरा का पूरा होता है, लेकिन इसमें लज्जत और सुकून भी इतनी ज़्यादा होती है कि औरत सारा दर्द भूल जाती है। नंबर तीन, औरत का नीचे और मर्द का ऊपर होना। हम बिस्तर का तीसरा तरीका जिन्हें औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और इस तरीके को इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो यह है कि औरत अपनी टांगें खोल कर पेट के बेल नीचे लेट जाती है और मर्द इसके ऊपर आकर घुटनों के बेल बैठ जाता है और औरत की शरणगाह में नफ्स डालकर हम बिस्तर करता है। औरत इस तरीकों को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि इससे मर्द और औरत की शरणगाह एक दूसरे के आमने सामने आती है। इस तरीके में नफ्स का दखल भी आसानी से होता है और इसके अलावा इस तरीके से औरत जल्दी हामला भी हो जाती है।